इंजीनियर साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे प्रतिष्ठित वक्तागण और भाइयों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आजकल काफी चर्चा में है और बहुत सारे लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के उत्साहित भी हैं और बहुत सारे लोग जो है इस बहुत एप्रिहेंशंस भी हैं लोगों के अंदर कि एजुकेशन पॉलिसी ये क्या रुख लेगी आने वाले दिनों में। काफ़ी बड़ी है, 500 पेज के करीब। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि बैड पीएचडी थीसिस है, एक खराब पीएचडी की ये थीसिस है पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और बहुत सारे रिपीटिशंस हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 68 में, उसको शिक्षाविदों ने बनाया था और उसके उस पर छाया थी कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन ने 66 में पहला एजुकेशन कमीशन था जिसने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और उसका मकसद एक ही था कि भारत जैसे सेग्रीगेटेड सोसाइटी में, श्रेणीकृत समाज में कैसे शिक्षा नेशनल इंटीग्रेशन पैदा कर सकती है, ये उसका मकसद था एजुकेशन कमीशन का। और उस एजुकेशन कमीशन की छाया में पहली एजुकेशन कमीशन तैयार हुआ था, जो पहला एजुकेशन का कमीशन था उसकी छाया में वो पॉलिसी तैयार हुई थी 68 की। दो बातें उसमें बड़ी अहम थी, एक ये था कि देश में कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, नेबरहुड स्कूल, जिसकी बदौलत दुनिया के बहुत सारे देश काफ़ी तरक्की कर गए। एक स्कूल, उसका पड़ोस तय कर दीजिए और उस पड़ोस का हर बच्चा, वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, मज़हब का हो या किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, वो उसी स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि स्कूल इज़ द प्लेस फॉर सोशलाइजेशन। और इस तरह से हिंदुस्तान में एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनेगी, या एक कहिए तो मिक्स सोसाइटी का निर्माण करेंगे हम, उसमें शिक्षा और स्कूल का बहुत बड़ा रोल होगा। इस मकसद से वो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। और दूसरा ये था कि पब्लिक फंडेड स्कूल्स 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, ये 68 की पॉलिसी ने 6% कहा था। आपकी जो राष्ट्रीय आमदनी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 6% शिक्षा पर खर्च कीजिए, 3% स्कूली शिक्षा पर और 3% हायर एजुकेशन पर, ये बात 68 में कही गई थी। उसके बाद, और 68 पॉलिसी ने यह भी कहा था कि हर 5 साल पर पॉलिसी का रिव्यू कीजिए और रिव्यू करके इसको अपग्रेड कीजिए, लेकिन उसके बाद फिर खामोश हो गया पूरा देश या राज्य खामोश हो गया, और फिर 86 में पॉलिसी आई। बीच में बहुत सारे और प्रयोग होते चले गए, कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रयोग आए, DPEP आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला, बहुत सारी चीज़ें हुई 86 में। एक फिर उसके इतने दिनों बाद 86 में एक पॉलिसी आई। उस समय कंप्यूटर का आपने दुनिया भर में बड़ा शोर शराबा हुआ, राजीव गांधी जी का जमाना था, और वो 86 पॉलिसी आई। उस 86 पॉलिसी में भी कॉमन स्कूल सिस्टम की चर्चा थी और 6% जीडीपी की चर्चा थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इनोवेटिव स्कूल्स बनाने की बात हो गई एक्सीलेंस के लिए। देश में एक्सीलेंस क्रिएट करना है और इसलिए कुछ इनोवेटिव स्कूल्स बनाए जाए, और बड़े पैमाने पर नवोदया विद्यालय, प्रतिभा विद्यालय और इस तरह के विद्यालय सरकार के जरिए ही शुरू कर दिए गए, जो कॉमन स्कूल सिस्टम को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, लेकिन वो 86 पॉलिसी का हिस्सा था। और फिर टेक्नोलॉजी जो है शिक्षा में इंट्रोड्यूस की गई और कंप्यूटर वगैरह आए। 86 पॉलिसी को 92 में रिव्यू किया गया, जिसमें एक्शन प्लान बना, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, और उसके बाद फिर कोई पॉलिसी आई नहीं। और उसके बाद आप जानते हैं 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और शिक्षा एक कानूनी हक बन गई, मौलिक अधिकारों में शामिल हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकल के। उसके पहले 93 में
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो राइट टू लाइफ के बराबर है और आप कोई डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं सकते अगर आप शिक्षित नहीं हैं। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो 14 साल तक के बच्चों को जो आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा दे, जिसमें प्री प्राइमरी भी शामिल था। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और रिसोर्सेज परमिट करें तो 14 साल के बाद भी इसको जारी रखा जाए। उसी दरमियान डकार में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ ताकि आप आज की परिस्थिति को समझ सकें। 2000 में एक डकार कन्वेंशन हुआ है, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, जिसमें EFA का नारा दिया गया, एजुकेशन फॉर ऑल। और हमने उस EFA के उस स्लोगन को, जो 15 साल के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी बनाए गए, तो हमने उसको यहाँ सर्वशिक्षा अभियान में बदल दिया और देश भर में सर्वशिक्षा अभियान चालू हुआ। अटल जी की सरकार थी, 2001 में सर्वशिक्षा अभियान आया और सर्वशिक्षा अभियान में बहुत सारी बातें लिखी गई और उसका जो ऑपरेशनल पार्ट देश भर में लागू हुआ वो NEP आ गया और पैरा टीचर्स आ गए, नॉन फॉर्मल स्कूल्स जगह जगह खुलने लगे, दो दो कमरे में भी स्कूल चलने लगे और पैरा टीचर्स कोई क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग के बगैर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, टीचर बनाया गया, जिसमें प्रधान ने भी अपनी सिफारिश से बना दिया, MLA MP के भी कैंडिडेट आ गए और देश भर में पैरा टीचर्स। लोग कहते हैं कि देश में क्वालिटी एजुकेशन की गिरावट जो है कि शुरुआत वहीं से हो गई। वो नारा था सबको शिक्षा देने का और सबको शिक्षा देने का देश ने जो रास्ता निकाल लिया वो नॉन फॉर्मल स्कूल्स में निकाल लिया और पैरा टीचर्स में निकाल लिया कि इनके जरिए हम शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाएंगे। और फिर आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2000 में, जो हम तो 18 साल तक के बच्चों के मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्लास 1 से क्लास 8 तक 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया और ये भी कह दिया कि एज ए स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन कानून के जरिए ये अधिकार लागू होगा। 6 साल से नीचे के करोड़ों बच्चे बाहर हो गए और 14 साल से ऊपर के जो बच्चे थे सेकेंडरी एजुकेशन के वो भी मौलिक अधिकार से बाहर हो गए और फिर उसको अमल में लाने के लिए कानून की शुरुआत हुई और कानून बनाने में भी 8 साल लग गए। आप जानते हैं 2009 में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से, सभी पार्टियों के कंसेंसस से एक कानून पारित कर दिया और वो कानून 2010 में लागू हुआ। अब फिर जब ये सरकार, अब वो कानून के लिए, कानून में बहुत कमजोरियां थी। कानून का जो सेक्शन 11 था वो कहता था कि 3 साल प्री प्राइमरी दिया जा सकता है, लेकिन वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, उसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया, वो कानूनी हक नहीं बना। एक सजेशन था, अभी भी है RTE एक्ट में, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन की कोई चर्चा नहीं। बहुत सारी खामियां हैं कानून में। एक बात और हुई कानून के अंदर कि, और बहुत सारी अच्छाइयां भी है कानून में। एक तो पहली बार हिंदुस्तान में जस्टिसिएबल राइट मिला बच्चों को शिक्षा का, एक कानूनी हक मिला जिसको वो किसी भी अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि वो। दूसरी बात, पहली बार हिंदुस्तान में स्कूल डिफाइन हुआ कानून के जरिए, एक स्कूल कैसा होना चाहिए। ये बात तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, पहले तो पेड़ के नीचे भी पढ़ाई होती थी, उस्ताद बढ़िया होगा तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्वालिटी का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हमारे देश में लड़कियां स्कूल इसीलिए छोड़ देती हैं, ये रिसर्च है, क्योंकि उनके लिए टॉयलेट नहीं है और इसलिए वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। क्लासरूम क्राउडेड हैं इसलिए वहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचर कम हैं और वो पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं और एक ही टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो इससे भी लर्निंग लेवल बढ़ता नहीं है। लेकिन कानून ने पहली बार डिफाइन किया कि एक स्कूल कैसा होगा जिसमें प्लेग्राउंड भी होगा और बाउंड्री वॉल भी होगा, जिसमें टॉयलेट लड़कियों के लिए भी अलग से होगा, क्लासरूम होंगे और क्लासरूम और बच्चों का रेशियो क्या होगा ये भी डिफाइन किया, और ये भी डिफाइन किया कि कितने बच्चों पर एक टीचर होगा, जो दुनिया के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या और यूरोप के कंट्रीज के मुकाबले बहुत मिनिमम नॉर्म्स थे जो RTE ने स्पेल आउट किए।
पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि एक स्कूल को के नाम्स एंड स्टैंडर्ड बनाए गए। और फिर टीचर्स के लिए भी आप जानते हैं टीचर एक बड़ा नेटवर्क है, 15 लाख स्कूल हैं, 55 लाख टीचर है, तो टीचर्स को किसी भी काम में लगा देते हैं आप, वो पोलियो भी पिलाएगा, वो इलेक्शन ड्यूटी भी कराएगा, सेंसस, इलेक्शन ड्यूटी मतलब वोट नहीं कराएगा, वोटर लिस्ट भी बनाएगा, सेंसस भी करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी लगेगा, कलेक्टर साहब को कोई काम अगर गांव-गांव तक कराना है तो टीचर एक बढ़िया, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी सी तो एयरपोर्ट से रिसीव करके और वहां तक पहुंचाने का काम, चूंकि टीचर उस इलाके में पढ़ा लिखा है तो एक बड़ा नेटवर्क है, उसको यूज कर लीजिए नॉन टीचिंग कामों में बड़े पैमाने। आरटी ने 3 चीज़ों पर इसको सीमित कर दिया, महदूद कर दिया कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट, चुनाव और सेंसस, एप्रोप्रिएट एडमिशन की। बहुत सारी आरटी में अच्छाइयाँ थी, खामी ये थी कि उसने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को नहीं लिया, सेकेंडरी एजुकेशन को नहीं लिया और कोई फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं दिया। पहला ड्राफ्ट, 7 वर्जन आए थे आरटी के, पहला ड्राफ्ट जब आया था तब उसमें मेमोरेंडम था फाइनेंशियल मेमोरेंडम, बाद में उसको हटा दिया गया। और ये आपको मालूम है कि शिक्षा में कम इन्वेस्टमेंट की वजह से, मैंने अगर 68 में 6% देश ने शिक्षा पर खर्च किया होता तो आज ये जो बड़ा बैकलॉग हम देखते हैं, एक क्यूमुलेटिव गैप है, ये बैकलॉग शायद नहीं होता। देश में जो 24 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में हैं उसमें 11.1 लाख केवल टीचर वैकेंसी है, 9 लाख एलिमेंट्री में और 1.1 लाख सेकेंडरी में, 10% सिंगल टीचर स्कूल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप डिजिटलाइजेशन की बात कीजिए, बहुत जगहों पर देखता हूँ कि कंप्यूटर खरीदे हुए हैं, पड़े हुए हैं उसी तरह से, बिजली नहीं है वहाँ, कोई उसको चलाने वाला नहीं, तो डिजिटलाइजेशन तो अच्छा। और दूसरी बात यह कि आरटी आने के बाद हमने सोचा था कि पूरे देश में बड़ा उत्साह था कि अब एक शिक्षा का मौलिक अधिकार आ गया, ये कंपल्सन है स्टेट नेबरहुड स्कूल देने की बात भी आरटी ने कहा, बच्चे के नज़दीक में स्कूल दीजिए, 1 किलोमीटर प्राइमरी और 3 किलोमीटर पर अपर प्राइमरी, और ये इसलिए कि किसी भी तरह का बैरियर तोड़ना है। एप्रोप्रिएट एडमिशन एज के हिसाब से होगा और उसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर आरटी को लागू किया गया होता, 2013 पहली डेडलाइन थी और 2015 दूसरी डेडलाइन थी, जिसको बाद में पार्लियामेंट में अमेंड करके 2019 किया, 31 मार्च 2019 टीचर से संबंधित। लेकिन आरटी का आज के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और 10 साल का आंकड़ा ये है कि 12.7% इसका कंप्लायंस हुआ है। मैंने 15 लाख स्कूल में 12.7%, ये सरकार का आंकड़ा, हमारा आंकड़ा नहीं है, केवल इतने ही स्कूलों में आरटी लागू हो पाई है। इतना बड़ा बैकलॉग है शिक्षा के अंदर। अब फिर आप एक 500 पेज की पॉलिसी बना दीजिए, क्या होगा उससे? अगर आपके अंदर विल नहीं है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि हर बच्चे को शिक्षा दी जाए, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए तो शायद मुश्किल है। और दूसरी बात कि क्वालिटी जो है वो अब जैसे पिछली बार मैंने देखा एक बड़ी बहस थी इस देश में कि बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे, उनको क्लास में डिटेन नहीं करेंगे तो क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। अरे डिटेंशन से क्वालिटी नहीं बढ़ती, उल्टा असर पड़ता है, डिमोटिवेशन होता है और बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। क्वालिटी बढ़ेगी क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर से और टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर से। बहुत जगहों पर तो किताबें ही नहीं मिलती लोगों को, बहुत लेट मिलती है, टीचर आपके अपडेटेड नहीं हैं, जो भी हो, बहरहाल ये एक अब एजुकेशन पॉलिसी आ गई। ये सरकार आई मोदी जी की पिछली बार 14 में, 15 से ही हल्ला शुरू हो गया कि एक एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी। कहा 2.5 लाख कंसल्टेशन हुए हैं और अब दिल्ली में एयर कंडीशन में पॉलिसी नहीं बनेगी, ग्रास रूट से पॉलिसी इमर्ज करेगी और ये होगा वो होगा करके उन्होंने 1 साल पूरा प्रोसेस चलाया। सुब्रमण्यम कमेटी बन गई, सुब्रमण्यम कमेटी ने उन सारे सजेशंस को लिए, लोगों से मिले, बातचीत की, 250 पेज की एक रिपोर्ट तैयार किया। आप सब जानते हैं कि वो 250 पेज की रिपोर्ट सुब्रमण्यम ने तैयार किया, MHRD को दिया। MHRD ने क्योंकि कुछ सवालों पर उनके
रिजर्वेशन थे, जैसे लैंग्वेज इस देश में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज तक हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। हमारे देश में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी को अगर एड्रेस नहीं करेगी तो आप कभी क्वालिटी नहीं ला सकते हैं, चाहे जो भी आप इस देश में कर रहे हैं। ये देश जो है विविधताओं का देश है, ये देश भाषाओं और संस्कृतियों का विविधताएं हैं इस देश में, और वो सब चीज़ें, शिक्षा कोई रोजगार पाने का एकमात्र साधन नहीं है, रोजगार एक चीज़ है लेकिन शिक्षा समाज को एक, डेलोर कमीशन की रिपोर्ट आप देख लीजिए हाउ टू लिव टुगेदर, 4 पॉइंट में एक पॉइंट है ये शिक्षा का काम है, कैसे लोगों को एक साथ जोड़ के ले चला जाए और रखा जाए। अगर ये नहीं, इसलिए हम बार बार कहते रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी आए देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और स्पिरिट अगर उसमें नहीं मजबूती से दखलंदाजी करता है तो फिर कोई पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान के लिए। और क्वालिटी तो कभी नहीं हो सकती, क्वालिटी तो एक क्वालिटी बहुत, अब आजकल क्वालिटी क्या हो गई है, क्वालिटी बहुत रिड्यूस कर दी गई है। इस पॉलिसी में भी वही चर्चा है, मैं इस पर बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये क्वालिटी इस पॉलिसी में भी लर्निंग आउटकम पे फोकस किया गया। सारे लोग अब केवल लर्निंग की बात कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम कुछ रीडिंग आ जाए, कुछ राइटिंग आ जाए और कुछ न्यूमरेसी आ जाए, कुछ गणित के सवाल हल करना आ जाए, दैट इज द क्वालिटी। क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया उन्होंने और सब अब लर्निंग आउटकम पे बात करना शुरू कर दिया। लर्निंग आउटकम एक हिस्सा हो सकता है उसका कि बच्चा अगर स्कूल में है तो उसको पढ़े, लेकिन एक बेहतर सिटीजन बनाने का, इंसान बनाने का शिक्षा का काम है। और अगर वो ये नहीं कर सकते लोगों के, बच्चों के अंदर, अगर आप शिक्षा को मार्केट के प्रिंसिपल से गाइड करेंगे और प्रॉफिट और मुनाफा और लॉस के सेंस में शिक्षा का पूरा कैरिकुलम और पेडागोजी बिल्ड करेंगे तो शिक्षा का कोई मकसद नहीं है हमारे देश के लिए। हमारे देश में अगर सेंसिटिविटी नहीं है और अगर हमारे देश में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट नहीं कर सकती शिक्षा और लोगों के साथ एकजुटता नहीं कायम कर सकती तो उस शिक्षा का क्या मतलब है। बहरहाल जो भी हो, तो अभी जो पॉलिसी आई है उस पर बहुत, सुब्रमण्यम साहब की, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट को तो आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी के ज़माने में रिजेक्ट कर दिया गया और सुब्रमण्यम साहब लड़ गए और उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट इतनी मेहनत से हमने बनाई है, इसको पब्लिक कीजिए और इसमें पब्लिक डिस्कशन कराइए, MHRD ने मना कर दिया। फिर उन्होंने धीरे से 2-3 पत्रकारों को, उन्होंने कहा कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये किसी पार्टी का दस्तावेज नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक से सजेशन आने चाहिए, और धीरे से उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। अब कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि भाई ये उन्होंने ठीक काम नहीं किया, कुछ लोग कह सकते हैं कि देश के हित में उन्होंने अच्छा काम किया और वो पब्लिक हो गई रिपोर्ट। MHRD ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसके बाद मिनिस्ट्री बदल गई, जावड़ेकर साहब आए और फिर एक 45 पन्ने की एक ड्राफ्ट इनपुट टू एजुकेशन पॉलिसी करके उन्होंने वेबसाइट पर अपने जारी कर दिया, जिसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए कि आप ये ड्राफ्ट इनपुट पर डिस्कशन कीजिए, लोगों ने बहुत सारा सजेशन उसमें दिया। और उसके बाद फिर ये कस्तूरी रंगन कमेटी आ गई। कस्तूरी रंगन साहब इसरो के अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई जिसने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस ड्राफ्ट पर लोगों की राय मांगी जा रही है और 30 जून तक समय उनको दिया गया है। और 30 जून मुझे लगता है कि समय कम है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो अब वो इस पर बहस चल रही है। अब इस पॉलिसी में है क्या, इस पर थोड़ा सा मैं अपनी बात कहूँगा। एक बात इस पॉलिसी में देखिए, ये पॉलिसी में बहुत सारी, जो जैसे पढ़ना चाहेगा उसको उस हिसाब से मिल जाएगा मसाला, उसी तरह का वो पॉलिसी को देखना शुरू करेगा, लेकिन इसके न्यूएंसेस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात कहा इन्होंने कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को लीगल इंटाइटलमेंट दिया जाना चाहिए और उसके लिए एक स्ट्रक्चर भी प्रपोज किया है, 5+3+3+4। 5 मतलब कि 3 साल के, 3, 4, 5 और grade 1, grade 2 को लेकर के इन्होंने एक प्री प्राइमरी का खाका बनाया है। दूसरा इन्होंने 3, 4, 5 का प्रिपरेटरी स्टेज, एक तो फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज है मतलब कि 3, 4, 5 साल के बच्चे और 1-2 और, माने 6-7
तक की उम्र को फाउंडेशन स्टेज में इन्होंने माना है, और उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें वो कहते हैं कि क्लास 3, 4, 5, और फिर वैसे ही एलिमेंट्री स्टेज 6, 7, 8, और इसके बाद 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन। इसको कहा है कि लीगल इंटाइटलमेंट में ले आइए, इसको आरटीई के अंदर लाइए और जरूरत पड़े तो आरटीई को अमेंड कीजिए। और अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारे ढांचागत परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी सेटअप करने की बात की और मॉडलिटी की बात की, क्योंकि खाली पढ़ाई का मामला नहीं है, उनके प्रोटेक्शन का मामला है, उनके केयर का मामला है, उनके न्यूट्रिशन का मामला है। आप जानते हैं ये सारा जो उम्र के बच्चे थे वो ICDS में थे। अभी जो हमारे पास ढांचा है वो ICDS है, आंगनबाड़ी है, और उसके बाद कानून है, इसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये बड़ा फ्रेगमेंटेड है, डिस्कनेक्ट है, इसको हम बहुत शुरू से मांग करते रहे, हमारी एक बड़ी प्रमुख मांग रही है, हमेशा इसको हम उठाते रहे हैं कि पूरा स्कूल एजुकेशन आरटीई में लाइए और इसको लीगल राइट बनाइए, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और उसके लिए फाइनेंसेस की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की हो। तो ये बात हम हमेशा उठाते रहे। तो खैर वो उन्होंने किया है और उसके लिए उन्होंने एक मॉडलिटी तय करने की बात की है प्री प्राइमरी को जोड़ने के लिए, और प्री प्राइमरी को आंगनबाड़ी या विमेन क्या WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से निकाल के स्कूल एजुकेशन MHRD। अब पॉलिसी ने यह भी कहा है कि MHRD क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कीजिए, इसको उसमें लाने की बात उन्होंने कहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका हम वेलकम करते हैं। दूसरा, फाइनेंसेज को भी डबल करने के लिए कहा है कि फाइनेंसेज को डबल कीजिए, और कैलकुलेट किया है 2017-18 से। 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उस इकोनॉमिक सर्वे ने 2017 में कहा था 2.7% हम शिक्षा पे खर्च करते हैं GDP का। अभी जो GDP कैलकुलेट की जा रही है वो 3.5%, उससे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले सालों में ये GDP का कैलकुलेशन का तरीका भी बदल दिया है। जो GDP का कैलकुलेशन था उसको बहुत बदल दिया, अब बहुत सारी चीज़ें बदल दी। जैसे आप कह रहे थे चुनाव के पहले कि 45 साल में बेरोजगारी की दर पहली बार इतनी ज़्यादा हुई है, और नीति आयोग ने कह दिया कि नहीं नहीं ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वही डेटा आपने रिलीज किया जिसमें बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में बढ़ रही है, 45 ईयर्स में पहली बार इतनी बढ़ी है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे कैलकुलेशन के जो आधार थे जिस पर डेटा तैयार होता था और जिस डेटा पर पॉलिसी बनती थी, वो उसमें बहुत मिसकैलकुलेशन हुआ है। उसी तरह GDP में भी बहुत मिसकैलकुलेशन है, इसलिए आप किस पर यकीन करें और किस पर नहीं यकीन करें ये भी सवाल इस सरकार के निज़ाम में उठ गया है कि किस बात पर यकीन करें। तो ये एक बड़ी बात है। तो इस पॉलिसी ने कहा है कि 2.7% अगर 2017 का इकोनॉमिक डेटा माने तो फिर फाइनेंसेज बहुत कम है, क्योंकि 68 में पहली पॉलिसी ने 6% GDP का खर्च करने के लिए कहा था और वो हमने किया नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको 1-1% के हिसाब से बढ़ाइए GDP में और 6% तक पहुँचाइए। दूसरी बात कि हम पूरे यूनियन बजट का 10% शिक्षा पर खर्चा करते हैं। इस कमेटी ने कहा कि भाई नहीं, 10% को 20% कीजिए, क्योंकि फाइनेंस के बिना नहीं होगा। लेकिन खतरनाक बात ये कह दी कि फाइनेंस नहीं है, ये जो हम कहते हैं ये हमारे बहुत सारे लोग मान लेते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी आके कहते हैं कि साहब पैसा तो है नहीं हमारे पास। अरे भाई पैसा किसके लिए, पैसा आप जब एक तरफ ये कहते हो कि GST आ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो शिक्षा के लिए आप बार बार यही क्यों कहते हो कि पैसा तो है नहीं? ये कहो कि आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप कहते हो कि हिंदुस्तान जो है बड़ा ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है, दुनिया भर में हम बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम सबको पीछे छोड़ देंगे, और ये सारी बात करते हो, और जैसे ही शिक्षा की बात आती है वैसे ही आप बोलते हो कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा लाना है तो इस पॉलिसी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से पैसा जनरेट कीजिए, आप फिलेंथ्रॉफिक प्राइवेट सेक्टर। बोलिए देश में कौन फिलेंथ्रॉफिक प्राइवेट सेक्टर है, कौन ऐसा सेक्टर है
प्राइवेट सेक्टर मुनाफा न हो दिखाई न दे तो कोई प्राइवेट सेक्टर कोई सोशल वर्क भी नहीं करने के लिए तैयार है इस देश में। ये हालत हमारी बन गई। हर चीज एक पैसे से चार पैसा कैसे निकल सकता है तो सोशल वर्क में भी पैसा वो लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में मीटिंगें होती हैं कि एजुकेशन और हेल्थ ये बहुत ही सेफ प्लेस है इन्वेस्टमेंट का, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बैठ करके विचार करते हैं कि कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाए और कैसे हम इससे प्रॉफिट कमा सकें। ये कौन नहीं जानता है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कोठारी साहब ने जो कहा या 68 की पॉलिसी ने कहा या और भी पॉलिसीज ने कहा, वो पब्लिक फंडेड स्कूल्स की बात की। देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ एक एरिया में कर सकता है। आपको मालूम है स्कूल गोइंग एज के बच्चे 250 मिलियन हैं इस देश के अंदर, 25 करोड़। पूरा जीवन लग जाएगा, अंबानी को अपने सारे कारोबार बंद करने पड़ेंगे, खाली शिक्षा देगा वो, तब जाके इतने बच्चों को एड्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं। स्टेट अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, और दुनिया भर में शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन स्टेट के जरिए हुआ है, स्टेट ने प्रोएक्टिव रोल किया है, क्योंकि स्टेट ये मानती रही हैं कि नेशन बिल्डिंग का एक मजबूत खंभा शिक्षा होता है, और उनकी रिसर्चेज भी कहती हैं कि 2% GDP में ग्रोथ करती है शिक्षा, और 10% व्यक्ति की आमदनी बढ़ाती है। अगर कोई आदमी शिक्षित है तो 10% वो आमदनी बढ़ा सकता है और 2% नेशनल इनकम बढ़ा सकता है। ये रिसर्चेज कहती हैं शिक्षा का इतना बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए सभी ने कहा कि जो पैसा है वो टैक्स पेयर से आना चाहिए, टैक्स पेयर के पैसे से गवर्नमेंट स्कूल मजबूत होना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसा पैसा खाओगे वैसे ही जहन बनेगा और वही से ही फितरत तैयार होगी। तो पैसा तो भाई आप सरकार का जो पैसा है अगर शिक्षा में नहीं जाए, स्वास्थ्य में नहीं जाए, तो ये इतना टैक्स, इतने देश में इतने टैक्स पेयर हैं और टैक्स पेयर बढ़ गए तो ये पैसा कहाँ जाएगा। अगर देश अगर अपना टैक्स का पैसा शिक्षा पे नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, किसके लिए है ये डिफेंस के लिए है, ये किसके लिए पैसा है। ये अगर आप कहते हो कि शिक्षा पे हम नहीं लगा, आप सोचते हैं नेपाल हमसे ज़्यादा खर्चा करता है, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है हमसे, और दूसरे श्रीलंका हमसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है शिक्षा पर अपनी GDP का, और हम कहते कहते भी 3% के आसपास ही रह गए। ये इतना बड़ा बैकलॉग है शिक्षा के लिए। इसीलिए आप देखिए आपके पास लो पेड टीचर अब आधे हो गए हैं, आधा टीचर इस देश में कॉन्ट्रेक्चुअल है और लो पेड है। जिसको कहा था RT ने कि 2015 तक रेगुलराइज कीजिए, तनख्वाह दीजिए। कोठारी साहब कहते थे कि टीचर को अपने घर की चिंता ही नहीं करनी चाहिए तभी वो पढ़ा सकता है, अदरवाइज अगर वो घर की चिंता करेगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में रहेगा, तो वो कभी भी बच्चों की को पढ़ा नहीं सकता। टीचर इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर वो एक चेंज मेकर है सोसाइटी के अंदर, एक चेंज मेकर है, वो एक चेंज तैयार करता है, वो बच्चों को नर्चर करता है, उसको डेवलप करता है, उसको इन आर्थिक संकटों से बाहर निकालो और उसको इस पे लगाओ। तो जो भी हो, तो इस पॉलिसी ने कहा कि साहब आप ये जो RTE का ढांचा है और ये जो फाइनेंसेज हैं इसको पूरा करने के लिए आप फिलेंथ्रोफिक प्राइवेट सेक्टर्स को लाइए। अब बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, टीचर के लिए कहा है कि पैरा टीचर नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात है कि पैरा टीचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर नहीं होना चाहिए, रेगुलर क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए और टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब मुश्किल ये है, जिसको पॉलिसी ने भी एक्नॉलेज किया है कि 92% टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, केवल 400 डाइट्स हैं जो सरकारी क्षेत्र में चलते हैं, जिनमें फैकल्टी नहीं है, जिनमें हॉस्टल्स नहीं है, जो पैथेटिकली बिल्कुल रन है किए जाते हैं। और टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, आप पॉलिसी तो नहीं लिखती है लेकिन आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों के हैं। तो इसलिए मैं समय शायद ज़्यादा ले रहा हूँ, आप आ रहे हैं मैं समझ गया। तो वो जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको 92% है, उस पर बड़ी चिंता व्यक्त किया है शिक्षा पॉलिसी ने।
और इसलिए उन्होंने कहा है कि आप टीचर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कोई कीजिए और इसके लिए इसके बिना होगा नहीं, और एक्सपर्ट टीचर रखिए। ये नहीं कि हिंदी का टीचर है वो मैथ भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, नहीं, एक्सपर्ट टीचर रखे जाने चाहिए ताकि वो अपने विषय में दक्ष हो और बच्चों को ठीक से पढ़ा सके। ये कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, हालांकि पूरी बात हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो ये कहा है, कुछ डिजिटलाइजेशन की बात किया है, टेक्नोलॉजी की बात किया है। डिजिटलाइजेशन पर एक चीज़ जरूर मैं आपसे कहूँगा, डिजिटलाइजेशन जो है एडिशनल चीज़ है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में एडिशनल चीज़ है। जैसे हमारे AICT के चले गए साहब, वो कह रहे थे कि इग्नू से, मैं आपसे कहता हूँ कि 2012 में एक कमीशन बनाया गया था जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, जस्टिस वर्मा जिन्होंने पॉक्सो भी बनाया, जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया था क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि ये जो टीचर ट्रेनिंग है ये फेस टू फेस के अलावा और कोई इसका रास्ता नहीं है, ये मोबाइल से आप टीचर तैयार नहीं कर सकते क्योंकि डाउट्स क्रिएट होते हैं, उसको कौन क्लियर करेगा। टीचर ट्रेनिंग केवल फेस टू फेस हो सकती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एडिशनल चीज है। आप टेक्नोलॉजी से कह रहे हैं, अब वो कहने लगे जावड़ेकर साहब पार्लियामेंट के अंदर कि हम देश में 13 लाख लोगों को डिजिटल मोड में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। आप बताइए उससे कोई टीचर तैयार होता है? और भारत जैसे देश में, जिस देश में इतना पिछड़ापन है, किसान है, मजदूर है, अलग अलग लोगों की रिसीव करने की क्षमताएं हैं, आपकी बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ आप बोलते हैं कि साहब डिजिटल मोड में हमने टीचर ट्रेनिंग दे दिया। ये सब कागज पर तैयार होता है। टीचर ट्रेनिंग का एक ही रास्ता है और वो है फेस टू फेस। उसके लिए आपको जितना ट्रेनर तैयार करना हो, जितने सेंटर्स बनाने हो, वो आपको बनाना पड़ेगा, वो आपके लिए चैलेंज है। उसके बाद फिर आप एडिशनल नॉलेज दीजिए उनको, डिजिटल दीजिए, कंप्यूटर सिखाइए, टेक्नोलॉजी दीजिए, सब दीजिए, आप दुनिया की रेस में वो शामिल हो सके, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी लंदन ऑक्सफोर्ड में एक उसमें गया था सेमिनार में, वहाँ के टीचर एसोसिएशन के लोग ये बात बोल रहे थे कि ये खतरा हमारे यहाँ भी आ गया है, हमारे यहाँ भी टीचर ट्रेनिंग को अब कह रहे हैं कि साहब मोबाइल ऐप से जो है टीचर ट्रेनिंग हो। और दूसरा ये कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं इस क्षेत्र में, जो अपना ऐप बेच रही हैं, जो अपने CD और DVD बेच रही हैं, कोर्सेज बेच रही हैं। वो कह रही हैं कि 12th तक हम पूरा कोर्स जो है हमारी DVD में है, इसको बस एक ऑपरेटर चलाता रहेगा और बच्चे सीखते रहेंगे। आप बोलिए ऐसा कभी संभव है? मैंने क्लासरूम, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, यशपाल ने जो बर्डन विदाउट वो कहा था, बर्डन नहीं होना चाहिए, उसमें यशपाल ने सीधे कहा था कि भाई शिक्षा एक इंटरैक्शन है, शिक्षा ये पोस्टमैन डिलीवरी नहीं है, शिक्षा एक इंटरैक्शन है। बच्चे भी जिस माहौल से आते हैं उनके अंदर भी एक आप बैठे रहिए, मैं डर रहा हूँ, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सब बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। एक सबसे खतरनाक बात जो इसमें है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, 2-3 बातें मैं इसको सिर्फ रख के खत्म कर रहा हूँ। एक तो RTE ने जो नॉर्म्स बनाए थे स्कूल के लिए, उसको इस कमीशन ने डाइल्यूट करने के लिए कहा है, जो पहले नीति आयोग ने भी कहा था कि आप यू आर फोकसिंग ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट लर्निंग। इन्होंने भी कहा है कि लेस इम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रेटर इम्फेसिस ऑन लर्निंग। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डाइल्यूट हो जाएंगे तो देश में लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल बढ़ेंगे। लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल का मतलब है कि एक छोटा सा 2 कमरे का स्कूल और लो पेड अनट्रेन्ड टीचर, ये है लो कॉस्ट। और ये लो कॉस्ट बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में फैल रहा है, इसमें पियर्सन, एडुकॉम, ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ आ रही हैं और वो लो कॉस्ट स्कूल खोल रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाई फी चार्जिंग, DPS की फीस देने की स्थिति नहीं है देश में, तो उनके लिए जैसे शैम्पू बेचते हैं 10 रुपये का भी ले लीजिए, 20 रुपये का ले लीजिए, 2 रुपये का भी ले लीजिए, तो उसी तरह का ये स्कूल प्रोवाइड करेंगे और देश भर में। और जैसे ही आप, पहले तो ये था कि RTE की वजह से वो रुका हुआ था क्योंकि नॉर्म्स तय कर दिए हैं RTE ने, और नॉर्म्स अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अब अगर नॉर्म्स
डाइल्यूट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो लो कास्ट बिजनेस जो है हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका हो जाएगा इस देश में फैलने का। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए नहीं कहा, पेरेंट्स को कहा है कि वो उनकी एक SMC बना दीजिए और वो जो है वो करेंगे, ऑडिट चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब करेंगे। अब DPS का कौन पैरेंट जा करके ऑडिट चेक करेगा, आप बताइए। अगर स्टेट प्राइवेट सेक्टर हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रेगुलेशन, दुनिया भर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनका रेगुलेशन, उनका नियमावली सरकार बनाती है और उनको फॉलो करते हैं, ये उनके बीच का इंटरेक्शन है। क्योंकि इस पॉलिसी ने भी कहा है कि एजुकेशन प्रॉफिट के लिए नहीं है, नो प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल की बात इस पॉलिसी ने भी कहा, लेकिन जो एक्शन प्लान इनका है उसमें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की बात की है। एक ये बहुत खतरनाक बात है, और क्योंकि अभी 35% इस देश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं 35% प्राइवेट सेक्टर है, 35% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो सरकार उसको रेगुलेट क्यों नहीं करेगी, उसको आप पेरेंट्स पे छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा। दूसरा, ये जो स्कूल मर्जर की बात है, हमारे वो सिद्दीकी साहब कह गए कि स्कूल बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं, अब आपको मैं बताता हूँ, नीति आयोग ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बोस्टन प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी और पिरामल फाउंडेशन। पिरामल आप जानते हैं, पिरामल फाउंडेशन जो है वो अंबानी का जो बेटे की या बेटी की शादी हुई है उसके यहाँ, इन दोनों से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उन्होंने झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में ये लिस्टिंग किया है कि कौन से स्कूल चलाने ठीक है, कौन स्कूल चलाने नहीं ठीक है, और ऐसे करके 14,000 स्कूलों को बंद करने की बात की है। राजस्थान में 17,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये केवल जरिया उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा, शिक्षा में पैसा खर्च करने के लिए, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, ये उन्हीं का जरिया है ये सरकारी स्कूल। बाकी जिनके पास भी पैसे हैं वो प्राइवेट सिस्टम में जाते हैं, आप जानते हैं, इसीलिए 35% हो गया। अब अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे ट्राइबल एरिया में, रिमोट एरिया में, तो उससे फिर क्या होगा, उससे ये होगा कि ये स्कूल बंद हो गए, उनकी जगह पर लो कास्ट प्राइवेट स्कूल जगह ले लेगा, या कोई सरस्वती शिशु मंदिर खोल जाएगा और धीरे धीरे उनको करेगा। और हुआ ये है कि देश में 1.5 लाख स्कूल बंद हो गए इस नाम पर। अब उसके लिए तर्क दिया जाता है कि पॉपुलेशन घट रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे हैं, आप सर्वे करा लीजिए, बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं है, प्राइवेट स्कूल में है, लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब आपके पास एक कानून है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे फिर आपके स्कूल में आए और आप अपने स्कूल का माहौल ठीक कीजिए, टीचर दीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, लोग भेजेंगे अपने बच्चों को आपके यहाँ, कोई नहीं चाहता, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेजे और पैसा खर्च करे। और स्टेटस सिंबल भी नहीं, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में लोग क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को, लाइन लगी रहती है, हमारे पास लोग आते हैं कि सिफारिश कर दीजिए, केंद्रीय विद्यालय कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। नवोदया में लोग जाने के लिए कहते हैं सरकारी स्कूल है, क्योंकि वहाँ का टीचर दूसरा काम नहीं करता, केवल शिक्षा का काम करता है, वहाँ 8 गुना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉनिटरिंग है, सब है। केंद्रीय विद्यालय अभी भी सबसे बढ़िया स्कूल माना जाता है, इसलिए लोग अपने बच्चे भेजते हैं। तो ये बात जो फैलाई जा रही है कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे नहीं भेजना चाहते, गलत बात है। आप बढ़िया सरकारी स्कूल दीजिए लोग, तेलंगाना में बहुत जगह पे हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के लोगों ने भेजा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में। दिल्ली में भी कुछ स्कूल हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं, लोग लाइन लगाए रहते हैं कि भाई हमको उसमें जो एडमिशन करा दीजिए। आप अगर अच्छे स्कूल दें तो लोग प्राइवेट की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नंबर एक। और इसलिए सरकार की, अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, इसलिए धीरे धीरे इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं। एक जो सबसे खतरनाक बात है जो मैं कह के जा रहा हूँ वो ये कि इस कमीशन ने एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अभी तक हमारे पास सेंट्रल बोर्ड था, केब था, केब कमेटी थी, सेंट्रल बोर्ड ऑन केब्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, वो सबसे हाईएस्ट बॉडी थी जो पॉलिसी डिसाइड करती थी शिक्षा के लिए। कोई भी प्लानिंग है, कुछ भी है, केब में डिस्कस होता था, फाइनल डिसीजन होता था। हमारे पास कैरिकुलम 2005 था जिसका सिद्दीकी साहब जिक्र करके गए, और वो हमारे लिए बहुत बढ़िया था,
से कैरिकुलम 2005 कृष्ण कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारे देश के शिक्षाविदों ने बनाया, क्या कैरिकुलम होना चाहिए, कैसे टेक्स्ट बुक लिखी जानी चाहिए, कैसे पेडोगॉजी होनी चाहिए, कैसे स्कूल चलाए जाने चाहिए, क्योंकि स्कूल एक इंक्लूसिव प्लेस है, एक समावेशी जगह है, इंक्लूसिव जगह है, आप उसको किसी मजहब जाति या किसी उसमें नहीं बांट सकते। इंडियन स्टेट द्वारा संचालित है वो स्कूल, इंडियन स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड है, तो वो उसके लिए कैरिकुलम 2005 था और वो उसके मद्देनजर चीज़ें तय होती रही हैं और केब के जरिए होती रही है। केब में जो मिनिस्टर ऑफ HRD है वो उसका चेयरमैन होता था। अब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाए जिसमें 25% एक्सपर्ट होंगे और बाकी ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स और ये सब होंगे और शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें वो आयोग डिसाइड करेगा। अब ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, प्लूरलिटी है, बहुलता है, बहुत सारी जो हमारे देश के कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप सेंट्रलाइज डिक्टेट के जरिए चलाना चाहते हैं इस आयोग से, ये एक बहुत खतरनाक है और इसका विरोध किया जाना चाहिए कि हमको कोई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नहीं चाहिए, हमको डिसेंट्रलाइज्ड कमीशन्स चाहिए, हमको ये शिक्षा जो है उतना ही केंद्र का है और जितना राज्यों का है, जितना राज्यों का है उतना केंद्र का है, इसलिए डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ये बचाए रख कर करके ही कोई शिक्षा पर काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद।